दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो में अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान, जिसमें अभी हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, और इसका ये पांचवा एक्सरसाइज होगा जो है भारत के ऊर्जा संसाधन। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गिरी मीन्स हाइड्रो पावर जो जनरेशन होता है वो 1897 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? तो वो था दार्जिलिंग में। मीन्स भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह दार्जिलिंग में बना, और कब बना? 1897। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? तो बहुउद्देशीय परियोजना इंद्रावती कहाँ पे है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है? बहुउद्देशीय परियोजना मतलब ऐसी परियोजना होती है जिसमें एक से अधिक उद्देश्य हो। जैसे कि यहाँ से क्या हो रहा है, बिजली बन रहा है, नहर से सिंचाई भी होती होगी, पानी का और सारा काम होता होगा, तो इसीलिए उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। इसको भी समझना है आपको। नेक्स्ट है हमारा, बगलिहार जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन पर किस देश को आपत्ति है? मीन्स किसको इससे प्रॉब्लम था? तो वो था पाकिस्तान को, पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारा, ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है? ताला विद्युत परियोजना जो है वो है भूटान के साथ, भूटान। अच्छा, अगर आपको पता हो तो हमको बताइए यहाँ पे अभी आप। भूटान की कैपिटल चलो थिम्पू है, वहाँ का करेंसी क्या है जरा बताइए। तो पड़ोसी देश है हमारा, ज़रूर बताना कमेंट में। नेक्स्ट है हमारा, पवन ऊर्जा के उत्पादन से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा की बात की जा रही है, भारत का पांचवा स्थान है। प्रश्न ये उठता है कि पहला स्थान किसका होगा? तो पहला है अमेरिका का, यूएसए, इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। और इंडिया में सबसे अधिक जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो किससे होता है? वो होता है हमारा कोयला से, कोल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ठीक ना, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और सबसे कम होता है न्यूक्लियर पावर से। तो आपसे ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, जिसको याद रखना, सबसे अधिक किससे? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी हाइड्रो से नहीं, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी से, मीन्स कोयला से। अगर हम बात करें हाइड्रो की बात, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मैंने जिक्र किया था, वो होता है जल विद्युत को ही इंग्लिश में कहा जाता है हाइड्रो, ठीक ना। और थर्मल मतलब ताप एनर्जी, मतलब वो कोयला से होगा। चलो नेक्स्ट की बात करें, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी देश है। चलो वही प्रश्न आ गया, तो कौन सा हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऊर्जा व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो कौन सा? बायोगैस। इसमें कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो बायोगैस के लिए उपलब्ध नहीं है। इससे एक जिक्र होता है, मीन्स एनर्जी जो होता है दो टाइप का, रिन्यूएबल और मीन्स एक रिन्यूएबल एक नॉन रिन्यूएबल। तो जिसका हम बार बार यूज करते हैं, जैसे कि हवा, पानी, ये सब क्या होता है? रिन्यूएबल होता है। और नॉन रिन्यूएबल में क्या बोलेंगे हम? जिसको एक बार यूज करके ख़त्म हो जाएगा। तो जिसमें हम क्या बोल सकते हैं? परमाणु ऊर्जा बोल सकते हो, यानी तो फिर बैटरी जो हम लोग यूज करते हैं, कोल ऊर्जा, ये सब क्या होता है? मीन्स नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होता है। ये भी आपको जानना होगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो मैंने जिक्र किया था ताप विद्युत का, इसको कहा जाता है थर्मल पावर, ठीक ना। आंसर क्या होगा? बी। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह है छठा, सिक्स्थ पोजीशन है इंडिया का परमाणु शक्ति में। लेकिन हम परमाणु क्या किए हैं? युद्ध के लिए नहीं, हम मीन्स अपने क्या बोलते हैं, स्वाभिमान के लिए रखे हुए हैं कि हम पे कोई हमला ना करे, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? परमाणु ऊर्जा की बात की जा रही है, तो वो हुआ था 1948। आंसर क्या होगा? बी। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो वो हुआ 1948 में ही हुआ। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान मीन जिसे वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहते हैं, का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1957। केगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कर्नाटक। कर्नाटक इम्पोर्टेंट मैं क्यों बोल दिया? क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक दिनों तक ऑपरेट रहने वाला परमाणु विद्युत संयंत्र केगा है।
मीन्स इसने 300 से अधिक दिनों तक लगातार ऑपरेट रहा, 331 है, ठीक ना, 331 था यूएसए का किसी परमाणु संयंत्र का, उसका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है और सबसे अधिक दिनों तक चलने वाला लगातार मीन्स बिना रुके हुए केगा परमाणु रिएक्टर बन गया है। तो ये कहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि यह वर्ल्ड लेवल की बात हो गई, तो कर्नाटक। नेक्स्ट है हमारा रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, राजस्थान, राजस्थान। कल्पक्कम परमाणु उपकरण कहाँ पे स्थित है, ये तमिलनाडु। फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ सारे को, केगा कर्नाटक, रावत भाटा राजस्थान, कल्पक्कम तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की अपनी सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को बंद करने की योजना है, किसने किया, जर्मनी, जर्मनी। आंसर क्या होगा, सी। विश्व, अच्छा, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से हमको याद आ गया, एक डिजास्टर हुआ था, चेर्नोबिल डिजास्टर, ठीक ना, वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिजास्टर, मैनमेड डिजास्टर को कहा जाता है चेर्नोबिल डिजास्टर। तो आप मुझे ये बताओ कि वो कौन से कंट्री में आता है, ठीक ना, थोड़ा सर्च करना और थोड़ा पढ़ भी लेना उसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं जानते हो तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना विकिपीडिया पे जाके, और किस कंट्री में है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम विश्व का सबसे बड़े गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना भारत के किस राज्य में होने जा रही है, मीन्स किस में बन रहा है, तो वो बन रहा है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कैथलगुडी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो वो है असम, असम, कैथलगुडी, असम। वाणिज्य स्तर पर प्रथम सौर परियोजना स्थापित की जा रही है, वाणिज्य मीन्स कॉमर्शियल, ठीक ना, जैसलमेर, जैसलमेर राजस्थान में है। चलो एक प्रश्न और पूछता हूँ आपसे, मैं बहुत सारा प्रश्न पूछ रहा हूँ आप लोगों से, इंडिया में सबसे बड़ा सोलर पैनल कहाँ पे लगा, कौन से स्टेट में, ठीक ना, ये मुझे आप बताना। पहले मध्य प्रदेश था, वर्तमान में कौन है टॉप पे, आपको याद भी रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादन, मीन्स खनिज तेल की बात कर रही है, तो कौन करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, सी। नेक्स्ट है, भारत की कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात से पूरा करते हैं हम, दो तिहाई, ठीक ना, अप्रोक्स 70% से अधिक, दो तिहाई। आंसर क्या होगा, डी। पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रोकार्ट किस कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं, तो वो जारी करता है BPCL, BPCL। आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये किस राज्य में है, यह है गुजरात, गुजरात, कलोल खनिज क्षेत्र गुजरात। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है, तो यह है बम्बई अपतट क्षेत्र, बम्बई का अपतट क्षेत्र, अपतट का मतलब होता है समुद्री साइड का क्षेत्र। नेक्स्ट है, मंगला क्या है, तो मंगला क्या है, राजस्थान का एक तेल का कुआं जिसका नाम क्या है, मंगला। आंसर डी। मंगला वन तेल कुआं कहाँ स्थित है, तो आप इसको आसानी से बना पाओगे, कहाँ पे स्थित होगा ये, राजस्थान, राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए जाते हैं, मीन्स कौन सी जगह पे पाया जाता है, तो यह है बाड़मेर, बाड़मेर। आंसर क्या होगा, बी। देखो सबसे अधिक भंडार की बात की जा रही है, पाया तो जैसलमेर में भी जाता है, लेकिन सबसे अधिक बाड़मेर। विश्व में खनिज तेल का सर्वाधिक खपत किस देश में होता है, सबसे अधिक खपत की बात की जा रही है, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका, सबसे अधिक उत्पादन भी और खपत भी। आंसर क्या होगा, ए। खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, तो वो क्या हो जाएगा, रशिया, रूस। भारत अपनी खनिज तेल आवश्यकता पर लगभग कितना प्रतिशत आयात से पूरा करता है, तो क्या हो जाएगा, 70%, दो तिहाई की मैंने जिक्र किया था, 70%। नेक्स्ट है हमारा, ब्लैक रेवोल्यूशन मीन्स कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, कृष्ण क्रांति या काला क्रांति जो भी बोलो, तो किससे संबंधित है, खनिज तेल से, खनिज तेल। आंसर क्या होगा, बी। भारत के संभावित तेल क्षेत्र कौन से हैं, तो तमिलनाडु भी है, गुजरात भी है, असम भी है, राजस्थान भी है, सब है इनमें से सभी। हाइड्रोकार्बन विजन 2025
संबंधित है, मींस 2025 में हाइड्रोकार्बन का क्या टारगेट है, ठीक ना, विजन मींस ये था लक्ष्य, तो क्या है, पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण से, आंसर क्या होगा हमारा ए। नेक्स्ट की बात करें, तुम्हारा प्रश्न है, भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है, तो ये है माउंट आबू, माउंट आबू, आंसर क्या होगा ए। विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश, सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कौन करता है, चाइना, चाइना। कोयला उत्पादन देशों में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान तीसरा है, तीसरा, आंसर क्या होगा बी। लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जगह, लिग्नाइट कोयला, इंडिया की बात की जा रही है, तो नेवेली, नेवेली। भारत में कोयले का सबसे मोटी पटल पाई जाती है कहाँ पे, तो वो पाया जाता है सिंगरौली में, सिंगरौली। अच्छा, सिंगरौली कौन से स्टेट में है, जरा बताना तो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के व्यावसायिक ऊर्जा खपत में कोयले का उत्पादन कितना है, वह है 67%, 67% व्यावसायिक ऊर्जा खपत की बात की जा रही है, जिसमें 67% कोयला, सबसे अधिक जो होता है हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वो कोयला से ही होता है, मीन्स ताप संयंत्र से ही, थर्मल एनर्जी से ही होता है। नेक्स्ट है हमारा, 2008-09 में भारत में खनिज तेल का उत्पादन कितना रहा है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, 33.51 मिलियन टन, ठीक ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसका कोयला भंडार सर्वाधिक होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये कहाँ पर है, झाड़िया, कहाँ पर है, झारखंड में है, सबसे अधिक कोयला भंडार यहीं पर, इम्पोर्टेंट, एक बचपन में आप 3 या 4 क्लास में कहानी भी पढ़े होंगे झाड़िया के बारे में। नेक्स्ट है हमारा, ग्रामीण विद्युतकरण निगम की स्थापना कब की गई थी, कब किया गया था ये, 1969। अच्छा, 1969 से मुझे एक याद आ गया, इंडिया में जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना भी हुआ था 1969 में, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया का स्पेस एजेंसी है और अभी बहुत हाईलाइटेड है, तो इसलिए याद रखोगे, इसका स्थापना कहाँ पर, सॉरी, स्थापना हुआ कब, 1969, और हेडक्वार्टर बेंगलुरु। अच्छा, हेडक्वार्टर मीन्स इसका चेयरमैन जो है ना, याद रखिएगा, वर्तमान में तो के सिवान है पर चेंज होता रहता है वो, तो याद रखिएगा आप। भारत में विद्युत के प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत कितनी है, मीन्स एक आदमी के लिए कितना एक साल में खपत होगा, इलेक्ट्रिसिटी की बात की जा रही है, तो वो कितना होगा, 376 यूनिट, मीन्स एक दिन में अप्रॉक्स 1 यूनिट, ठीक ना, 365 भी आप याद रखो तो आप एग्जाम में सही से टिक लगा पाओगे। नेक्स्ट की बात करें तो दिया है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो रिपीटेड प्रश्न, तापीय बिजली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमने, तो दिया गया है, पहला, बगलिहार विद्युत परियोजना का निर्माण सिंधु जल संधि के प्रचालों के अंतर्गत हुआ है, ये तो या पता होना चाहिए, सिंधु जल के पास ही है बगलिहार विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है, यह परियोजना संघ सरकार ने जापान एवं विश्व बैंक से प्राप्त ऋणों से, विश्व बैंक और जापान इसको ऋण दिया, उसके बाद ये बना है, तो दोनों सही है, आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एनर्जी एस्टेस्टिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है, ये कौन सा हो जाए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO, ठीक है ना, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, मीन्स स्टैटिक, मीन्स हमारा जो वो कितना हम खपत करते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको एक डाटा जो कितना आदमी खपत करेगा, एक सूची बना के देगा, जनगणना जिसे हम बोलते हैं, तो वो तो जनगणना में जन को काउंट करेगा, आदमी को काउंट करेगा, पर एक जो सर्वे होता है, सही इस वर्ड में बोला, सर्वे करवाना, तो सर्वे जो होता है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, कौन कितना यूज करेगा, कहाँ पे खपत है, वो ब्यौरा कौन देता है, CSO, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, अगस्त 2006 में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अधिसूचना की, इस नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी घरों में बिजली पहुंचाना है, तो किस घर, 2012 तक था, पर ये कंप्लीट कब हुआ, 2018 में, ठीक ना, 2018 में। सबसे लास्ट गांव जो था वो मेघालय का एक गांव था, ठीक ना, याद रखना। नेक्स्ट है, भारत के वाणिज्य ऊर्जा की 20% पूर्ति कोयले से होती है, 2/3 मैंने जिक्र किया था, 67% अप्रॉक्स, मीन 70 था,
तो 70 के आसपास क्या हो जाएगा यहाँ पे, 67, ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा सी। तो ये था इस वीडियो का एंड, अप्रॉक्स 48 ही प्रश्न थे इसमें, मैंने वो कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, पर कारण जरूर बताइए ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।